इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ने भी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने याकूब की दूसरी दया याचिका पर गृह मंत्रालय से सलाह ली थी, सलाह मांगी थी, और गृह मंत्रालय ने याकूब की इस याचिका में कुछ भी नया नहीं पाया। इस फैसले का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस दया याचिका को खारिज किया जा चुका है। आपको बता दें कि याकूब मेमन ने राष्ट्रपति को दूसरी बार ये दया याचिका दी थी और इस दया याचिका में अपनी बीमारी का जिक्र किया था, स्किजोफ्रेनिया का जिक्र किया था, और इसी आधार पर फांसी से रियायत मांगी थी। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि दूसरी बार भी इस दया याचिका को खारिज कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया है। याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी आई है। ओवैसी ने याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हुई है। ओवैसी ने मांग की है कि राजीव गांधी के हत्यारों की भी फांसी होनी चाहिए। जो सुप्रीम का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो दो जजेस में ऑनरेबल जज जोसेफ कोरियन ने जो मुद्दे पॉइंट्स उठाए थे वो बिल्कुल सही थे, और ना सिर्फ ये बल्कि कई सुप्रीम कोर्ट के साबेखा रिटायर्ड जजेस ने बशमूल जस्टिस काटजू, जो मेरी ताईद में कभी नहीं रहे हैं ना रहेंगे, उन्होंने कहा था कि ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा था। तो ये यकीनन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये फैसला आया है, और अगर 250 लोग जो मासूम लोग बम ब्लास्ट में मारे गए इससे उनको क्लोजर मिलता है, तो फिर वो 900 लोग जो 92 दिसंबर और 93 जनवरी में मारे गए, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के मासूम लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उनसे इंसाफ का क्या होगा? 92 दिसंबर और 93 के फिर रायट्स में सिर्फ 3 लोगों को सजा हुई, मामूली सजा हुई, क्या उनकी जानों की कीमत कम थी? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आखिर इतने बरस क्यों हो गए? बॉम्ब ब्लास्ट का होकर आज सजा हो गई, मगर बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया वो इख्तदार में आ गए, एक क्रिमिनल एक्ट करने के बाद इख्तदार में आए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, अब तो एक गंगा की सफाई का भी काम कर रहे हैं। इनको सजा होगी या नहीं होगी? और अगर सजा होगी तो क्या इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये हम भी देखना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद के खातियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम ये पूछना चाह रहे कि आखिर क्यों बीजेपी की उस वक्त की गवर्नमेंट बाबू बजरंगी माया कोडनानी के लिए फांसी की सजा का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्यों रोक? चलिए, तो असदुद्दीन ओवैसी जो याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये फांसी होगी, क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से सुनवाई नहीं होगी, तो उनका कहना है कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों और बाबरी मस्जिद मुद्दे में क्यों नहीं अभी तक सजा। हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान हैं। सीबीआई के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन हैं, जो इस केस में जांच अधिकारी भी रहे हैं। उनके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, साथ में वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और वरिष्ठ पत्रकार मसीह रहमान भी हमारे साथ हैं। और मसीह रहमान वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने याकूब मेमन की गिरफ्तारी के बाद उससे बात भी की, इंटरव्यू भी किया। मैं सबसे पहले रहमान साहब आपके पास आ रही हूं। जिस तरह की याकूब मेमन की फांसी के बाद लगातार उसका विरोध हुआ, कई आवाजें उठी, हमारी न्याय प्रणाली में, हमारे संविधान में जितने भी विकल्प हैं उन सबको आजमाया है याकूब मेमन ने, और उसके बाद यह फांसी, क्या इसके बाद भी सवाल उठने चाहिए?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला दे दिया है, तो अब इस फैसले को जाहिर है सारे देश को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन मैं भी निराश हूँ कि कल सुबह याकूब मेमन को सूली के तख्ते पे चढ़ाया जाएगा, और सिर्फ पत्रकार के हैसियत से मैं जो बड़ा याकूब मेमन वापस आने के बाद और बाकी के मेमन वापस आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली थी, और वो वही थी जो बी रमन आरएडब्ल्यू के ऑफिसर ने पॉस्टमसली अपने आर्टिकल में लिखा, वो ये है कि याकूब मेमन ने भारत को बहुत बड़ी मदद की ये एस्टेब्लिश करने के मुंबई वारदात के कनेक्शन आईएसआई का हाथ था उसमें, और आईएसआई को एक्सपोज करने याकूब मेमन ने बहुत मदद की थी। और ये बात उसी वक्त मुझे शंकर राव चव्हाण जो उस वक्त गृह मंत्री थे जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंडिया टुडे के इंटरव्यू में जो छपा था इंडिया टुडे में दो पेज इंटरव्यू, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे अधिकारी अमेरिकन एम्बेसडर को 3 घंटे का प्रेजेंटेशन दिए ये एस्टैब्लिश करने कि इस बॉम्बिंग्स के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, और वो बहुत कन्विंसिंग एविडेंस हमको मिला जी। याकूब मेमन ने कन्विंसिंग एविडेंस दिया, आपने ये भी कहा कि वो सरेंडर की मंशा से ही आया था। इस सब के बावजूद मैं शांतनु सेन के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी थे। शांतनु सेन साहब, इन सब के बावजूद जो बात मसीह साहब कह रहे हैं कि एक निराशा होती है, क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? आपने इस पूरे केस को नज़दीकी से देखा है। सवाल जो उठाने वाले सवाल उठाते रहे, मैंने तो तफ्तीश की थी और हमारी टीम ने तफ्तीश की थी, तफ्तीश करके हमने सारी सबूत इकट्ठे किए थे। याकूब मेमन, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सारी सबूत हमारे पास थे, इसीलिए उनके खिलाफ हमने रेड अलर्ट इशू करा था। सबूत मिलने के बाद ही आदमी ढूंढता है एक्यूज्ड को, सबूत के पहले नहीं ढूंढता है। और जब एक्यूज पकड़े जाते हैं, उनसे वार्ता होती है, उनकी इंटरोगेशन होती है। सीबीआई की इंटरोगेशन मेथड्स मशहूर हैं, और इस इंटरोगेशन मेथड जो लीगली जस्टिफाइड है, कस्टोडियल इंटरोगेशन कहा जाता है इसको, इसमें बहुत कुछ पता लगता है। पर वो जो पता लगता है एक्यूज से, वो एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्यूज्ड अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता है। वो खबर दे सकता है, पर उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अलग तरह से उसके खिलाफ प्रूव करना पड़ता है। ये सारा काम हमने किया था। जो लोग पकड़े गए थे उनकी इंटरोगेशन हुई थी, जो लोग नहीं पकड़े गए थे उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया गया था। और आज सारे एब्सकॉन्डर्स, दाऊद इब्राहिम जी, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन, इनके खिलाफ जो भी सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। और जब ये पकड़े जाएंगे, और मुझे उम्मीद है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश करेगी बाकी एब्सकॉन्डर्स की पकड़ने की, क्योंकि ये फिनिश नहीं है कि इसका जब तक बाकी नहीं पकड़े जाए, वही एविडेंस इनके खिलाफ यूज किया जाएगा। इनको मौका मिल सकता है उन लोगों को इंटरोगेट करने का जी, समित पात्रा, अगर विटनेसेस की मौत हो जाती है समित, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। समित, आप शांति हुसैन की बात सुन रहे हैं, खत्म करने दीजिए जी। ये कहना जे सबूत उसने दिया अपने आप, ये गलत है। वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो आया था यहाँ पर बचने के लिए, क्योंकि उसको पाकिस्तान में घुटन हो रही थी, उसको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था। उसके पेरेंट्स के, जिससे हमने खुद बात की थी, बहुत दुखी थे। उसके अदर ब्रदर, एक सिज़ोफ्रेनिक था, वो बहुत दुखी थे। आप जो बात कह रहे हैं शांतनु जी, मैं उस पर मसीह रहमान का एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा, जो बात शांतनु जी कह रहे हैं कि
याकूब मेमन का पकड़ा जाना उसके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस था, और जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है 20 साल से ज्यादा के समय के बाद पहली फांसी 1993 मुंबई ब्लास्ट में हो रही है, इस पर भी अगर विरोध हो तो हैरानी होती है। देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 257 लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों के घर में परेशानियां हुई, कितने लोग बेघर हो गए, करोड़ों के संपत्ति विनाश हुआ, पूरे विश्व में एक तरह से इसका संदेश गया। उसके बावजूद 22 वर्ष पूरा केस चलने के बाद आज फिर आके हम डिबेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये केवल इंडिया में ही ऐसा होता है, और लोग साइन भी करके दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर याकूब मेनन को बचाया जाए, एक मुहिम भी छेड़ा हुआ है। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। अभी आपने ओवैसी साहब के बयान को सुनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी उस पर उंगली उठा रहे हैं, और उस पर भी वो कहीं ना कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद हुआ उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पहले बाबरी मस्जिद वाले विषय को भी सुना जाए। और देखिए यहाँ रहमान साहब हमारे बड़े हैं, उम्र में हम सबसे बड़े हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें निराशा होती है। आप देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 22 वर्ष के बाद जो फैसला आता है, आप सोचिए जो लोग अपने परिवार के स्वजनों को खो गए होंगे 22 साल पहले, उन्हें आज सेंस ऑफ रिलीफ और सेंस ऑफ जस्टिस लग रहा होगा। और अगर हम जैसे बड़े लोगों को, आप तो बहुत बड़े हैं सर, उम्र से भी बड़े हैं, आपको निराशा होगी तो कैसे आशा जगेगा देश के न्याय प्रक्रिया के ऊपर। एक आतंकवादी को फांसी हो उस पर हमें निराशा हो, और आप लोगों के पास एविडेंस था तो 22 वर्ष उस एविडेंसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं गए? समित, मैं ये सवाल बसीर रहमान से ही पूछूंगी, क्योंकि एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद याकूब मेमन को फांसी हो रही है, ऐसे में इस सब के बीच ये निराशा क्यों? एक ब्रेक ले। तो याकूब मेमन की फांसी की सजा अब तय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई करने से साफ मना कर दिया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील मोहित माथुर हैं। मोहित साहब, मैं ये कह सकती हूँ कि जो तमाम लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं, जो कानूनी अड़चने हैं, वो तो अब खत्म हो चुकी हैं इस फांसी से पहले, अब सिर्फ प्रेजिडेंट के सामने जो मर्सी प्ली है, जो दया याचिका है, उस पर फैसले का सिर्फ इंतजार। सुचेता जी, मैं सिर्फ जो मेरिट की बात है, और जहाँ तक सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पिटीशन, उसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुनने से मना कर दिया, दोबारा रीओपन करने से मना कर दिया, वो मेरिट्स की बात है। एक फाइनलिटी आ गई, उस चीज़ पे हम में से कोई भी पीछे नहीं जा सकता, वी कैन नॉट गो बिहाइंड इट। मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक किसी भी केस में किसी भी एक्यूज्ड को जब उसको ट्रायल फेस करनी होती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके खिलाफ जो भी फैसला लेना है कोर्ट को, वो एक स्पीडी तरीके से और वक्त पे वो ख़त्म हो जाए। इस पर्टिकुलर केस में 20 साल लग गए जब तक उस अपील को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में डिसाइड किया। सही बात। आज 2 साल उस बात के बाद भी हो चुके हैं। किसी भी डेथ सेंटेंस के केस के लिए इतना 22 साल का गैप किसी एक्यूज्ड के लिए वैसे ही बहुत ट्रॉमेटिक होता है जी। तो लीगली आई फील के इतने गैप अगर किसी को ट्रायल में फेस करना पड़े, तो डेथ सेंटेंस जो है वो कैपिटल पनिशमेंट, उसको नहीं अवॉर्ड होनी चाहिए। इतने गैप में आदमी एक पूरी उम्र निकल जाती है, एक उसकी जेनरेशन बीत जाती है 20-22 साल अगर आप देखें गैप को जी। और जिस दिन मैं एक्यूज्ड बनता हूं, एक मेरी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है उस ट्रायल के अंदर। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, समय से जुड़ा है, लेकिन दूसरा है जस्टिफाइड जो बात आप कह रहे हैं, 20 साल से ज्यादा का समय हो गया, और इसके बाद अगर फांसी की सजा आई है, और उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है फांसी में, तो क्या इस पर नहीं सवाल उठेगा? मैं मसीह रहमान से इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक पहले मुझे लेना है। चलिए मैं सीधे रुक करती हूँ मसीह रहमान का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। रहमान साहब, आपने कई मौकों पर यह कहा कि याकूब मेमन सरेंडर करने की मंशा से ही आया था, लेकिन अगर वो सरेंडर करने की मंशा से भी आया तो क्या 257 लोगों की मौत का गुनाह कुछ कम हुआ? सुचारिता, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले बताया था आपसे कि मुझे 6:20 पे दूसरा अपॉइंटमेंट के लिए निकलना है। बिल्कुल, मैं तो इस जवाब के बाद, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद होगा। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने
इसमें अहम सवाल यही है और जो संबित जी ने भी रेस किया उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ इसी में, कि जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था हाल में कि याकूब मेमन का केस ऐसा एक मिसाल है जहाँ पे स्टेट ने बैड फेथ का इजहार किया है, एक बैड फेथ की मिसाल है, विश्वासघात की मिसाल है। याकूब और दूसरे उनके परिवार के लोग इस उसमें वापस आए थे हिंदुस्तान के, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ उनको फेयर ट्रायल मिलेगी, लेकिन अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जिस तरह से उनको फिर प्रोसिक्यूट किया उसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट जो अब होने वाला है एक तरह से इनएविटेबल हो गया था। तो जब स्टेट बैड फेथ डिस्प्ले करता है तो वो एक बड़ा बुरी मिसाल हो जाती है देश वालों के लिए भी और सारी दुनिया के लिए। मसीह साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके जाने से पहले आप जो सवाल खड़ा करके जा रहे हैं उस पर मैं जवाब जरूर लूंगी शांतनु सेन से। विश्वासघात की जो बात आपने उठाई है उस पर शांतनु सेन से जवाब लूंगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी रहे थे, उस वक्त क्या घटा था। शांतनु सेन हमारे साथ बने हुए, संबित पात्रा, मोहित माथुर हमारे साथ बने हुए हैं। मसीह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीबीआई के पूर्व अधिकारी शांतनु सेन बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हैं और वरिष्ठ वकील मोहित माथुर हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले मसीह साहब एक बात उठाकर गए, उन्होंने विश्वासघात की बात कही, उन्होंने कानून के फैसले पर तो सवाल नहीं उठाया लेकिन उन्होंने विश्वासघात का सवाल जरूर उठाया। शांतनु सेन, आप इस पूरे केस को बहुत करीब से जानते हैं, आपने देखा है इसे, चाहे वो मसीह साहब की बात हो या फिर बी रमन का वो लेख जो इतने सालों बाद छपा जिसमें उन्होंने भी कहा कि याकूब को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, उसने जिस तरह से मदद की है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की, क्या आपको भी लगता है ये विश्वासघात था? ग्यारह आदमी वापस आए थे मेमन फैमिली के, पांच आदमी का ट्रायल हुआ, एक्विट हुए तीन, उनमें से दो की मौत हो गई, केस अबेट किया, शायद उनका भी एक्विट हो जाता, बच्चों का ट्रायल हुआ ही नहीं। अब आप बताइए जस्टिस सिस्टम में अगर पांच आदमी का एक्विटल हो जाता है तो विश्वासघात कहाँ है? अब प्रश्न ये उठता है कि उसने सरेंडर तो किया नहीं, वो तो पाकिस्तान से बच के इंडिया आ रहा था, पाकिस्तान में उनकी फैमिली की एक डिस्प्यूट हो चुका था, पाकिस्तान में उनको डर था, खतरा था, ये वो समझते थे। इस सरेंडर थ्योरी पर ही बार बार सवाल उठते हैं शांतनु जी। संबित बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रहमान साहब की बात, मैं रहमान साहब की बात कहता हूँ, रहमान साहब तो मुझसे मिले थे, मैं ही उनको याकूब से मिलाया था मेरे ऑफिस में, उसके बाद रहमान साहब ने जैसे और लोग होते हैं उन्होंने ही हमारी मदद की, वो पाकिस्तान से हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स लाए, वो तो हमारे सोर्स बन गए थे। अब रहमान साहब ये बात कह रहे हैं, मुझे दुख होता है ये, मुझे वो विश्वासघात के चार्ज लगा रहे हैं। एक मुल्जिम उनका 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 सीधा ये कहना था कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जिस तरह की बात याकूब मेमन के सामने रखी थी उस बात से बाद में जाकर वो पलट गए। आप क्योंकि वहां आप क्योंकि इस पूरे केस को इतने करीब से जानते हैं इसलिए आपकी बात मायने रखती है। नहीं कही थी जो उनको छोड़ दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उनको यही कहा था आपको इंडियन जस्टिस सिस्टम की पनाह मिलेगी जी, आप इंडिया में सेफ रहेंगे और आपके यहाँ जो लोग बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाएगा। संबित से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, टाइगर ये मेमन, याकूब मेमन तो बेगुनाह नहीं था। देखिए मैं सबको बड़े ध्यान से सुन रहा था, दो तीन विषयों पर मैं टिप्पणी करूं। मैंने माथुर साहब को सुना, माथुर साहब ने कहा कि याकूब मेमन जो है वो 20-22 साल जेल में रहने के बाद बड़ा ट्रॉमाटाइज्ड महसूस कर रहा होगा और इसलिए उसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए और हो सकता लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देना चाहिए। मैं इनसे डिफर करता हूँ। आप बताइए, हम लोग याकूब के तो
ट्रॉमा को देख सकते हैं, मगर क्या उन 257 लोगों के ट्रॉमा को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो 22 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी माँ मर गई हो, जिसका पिता मर गया हो, जिसका छोटा सा बच्चा मर गया हो, वो 22 वर्ष से टकटकी लगा के देख रहा है कि आखिरकार मेरे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कब न्याय करेगा। उसके ट्रॉमा को कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक आतंकी के ट्रॉमा को हर कोई देखने का प्रयास कर रहा है। दूसरा विषय विश्वासघात। आप बताइए, एक आतंकवादी सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। मां भारती के विश्वास को तोड़कर मां भारती के संतानों को मारने का काम एक आतंकवादी ने किया है। और रमन जी के जिस आर्टिकल की बात हो रही है उसमें कहां सरेंडर का विषय लिखा हुआ है? उसको तो मैंने पूरा पढ़ा, 10 बार पढ़ा, उसमें तो लिखा हुआ है वो सरेंडर करना भी चाहता था, तो कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बिल्कुल मत करना, यहां ठीक नहीं होगा, तो वो भागने की प्रक्रिया में था, वो भाग रहा था, उसका चाबी। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि इसे फांसी नहीं होनी चाहिए, मेरी राय में ये लिखा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो है सब अपना अपना राय व्यक्त करते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रमन साहब हमारे बीच तो है नहीं, 2013 में वो चले गए हैं। जब कोई टेस्ट करने के लिए नहीं है उनके आर्टिकल को, वो एविडेंस के रूप में देखा भी नहीं जा सकता है, तो हम उस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? एक विश्वासघाती पे विश्वासघात हुआ कि नहीं, ये हम चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो लाखों करोड़ों लोगों को ट्रॉमा देके गया है, वो कितना ट्रॉमाटाइज्ड महसूस कर रहा है, इससे तो मुझे भी ट्रॉमा हो रही है और हिंदुस्तान को। मोहित माथुर ने यह सवाल उठाया था, मैं उनके पास जाती हूँ। मोहित जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप न्याय प्रक्रिया को बहुत करीब से देखते आए हैं, केसेस को इस तरह से देखते आए होंगे। अब 257 लोगों के जख्मों पर क्या ये फांसी एक मरहम नहीं होगी, क्योंकि सवाल आप भी खड़े कर रहे हैं। एक बात मैं मिस्टर पात्रा की उस पर जवाब देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे ट्रॉमा वाली बात को जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया है। मैंने कहा था कि किसी भी एक्यूज्ड को जब उसको ट्रायल फेस करनी पड़ती है और स्टार्ट होती है उसकी ट्रायल, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी, अगर मैं एक्यूज्ड नहीं हूँ, मेरे खिलाफ़ सबूत नहीं है, तो मैं छूट जाऊँगा और जो भी सज़ा मुझे मिलनी है मुझे एकदम जल्दी पता चले। उस सिलसिले में मैंने ये बात कही थी। मैंने यकूब मैन के उस मेरिट्स और उसकी ट्रायल के बारे में बात नहीं करी थी, ना इस सिलसिले में बात कही थी कि 257 लोगों की जो इसमें मौत हुई या उन फैमिलीज़ को क्या ट्रॉमा हुआ। एक एक्यूज्ड के जो एक सिटीज़न है, एक अभी भी उसका एक राइट टू लाइफ, जब तक वो एक्यूज था और कन्विक्ट नहीं हुआ था, उसका राइट टू लाइफ मेंटेन किया जाता है, चाहे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से लिया जा सकता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जिस तरह से वो प्रभावित है। अब बात यहाँ आती है कि अभी आज की तारीख में हम कि उस फैसले के पीछे नहीं जा सकते, उस चीज़ को एक फाइनैलिटी मिल गई है। सही बात। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक चीज़ पे विवाद हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज अगर हम ये बात का इस सिलसिले पे, इस बात पर अगर हम विचार अपना व्यक्त करेंगे, कल को यही चीज़ किसी ना किसी और मुकदमे में भी ये बात आ सकती है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में जितने रेमेडियल मेजर्स हैं, जितने विकल्प हैं, वो क्या किसी और न्यायिक प्रक्रिया में है? तमाम जो विकल्प थे वो याकूब मेमन को दिए गए, उसके बाद ये फांसी है? नहीं, मैं इस चीज़, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी में हमने अपने जो संविधान के तहत जितने भी कानून बनाए हैं उनमें जितनी उसको अवेलेबल थी विकल्प, उन्होंने ट्राई कर लिए। ये बात सच है कि हमारे यहाँ डेफिनेटली और मुल्कों से ज़्यादा हमारे पास रेमेडियल मेजर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान अगर ज़्यादा मेजर्स हैं तो वो ज़्यादा मेजर्स ना ट्राई करे। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस सब के बाद भी, अगर सवाल उठता है कि फांसी जल्दबाजी में दी गई, अगर इस सब के बाद भी ये सवाल उठता है, शांतनु जी, फांसी जल्दबाजी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने बात, फांसी जल्दबाजी की बात नहीं है इस टाइम जो बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, बट सिर्फ इतना इसमें कहना चाहूंगा बिफोर मिस्टर शांतनु से समथिंग, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी डिले, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करती है अगर 13 साल लगाती है ट्रायल में, उसके बाद अगर वो ये कहे कि जी अब जो मैं जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ वो जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कहना गलत है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी 13 साल लगाती है ट्रायल में, 2007 में कन्विक्शन का ऑर्डर आता है जी, उसके बाद 6 साल लगते हैं अपील में सुप्रीम कोर्ट में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर किसी भी एक्यूज के लिए, ये एक याकूब मेनन एक है,
अगर ये मिसाल आगे के लिए भी देखी जाएगी तो कल को किसी और मुकदमे में भी यही बात उठेगी कि 20-25 साल अगर किसी इंसान को ट्रायल में भुगतने पड़ रहे हैं तो उसके साथ ये ज़ाती भी है कि आपने 20 साल तक उसको ट्रायल में भुगताई और उसके बाद उससे कह रहे हो कि आज तेरे को फांसी की सज़ा दी जाएगी। माथुर साहब, मुझे लगता है कि ये तमाम दलीलें, ये तमाम जो पहलू थे वो कोर्ट ने देखे होंगे, उसके बाद ही ये सजा हुई है। इधर करूंगी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का। समित, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी ब्रेक से पहले, वो सीधे सीधे इस फांसी के जवाब में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, जिन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस सब बातचीत और इस राजनीति के बीच कहीं ना कहीं 257 लोगों के लिए जो इंसाफ की बात थी वो तो बहुत पीछे छूट गई? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के इस प्रकार के भड़काऊ बयान पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका मनसा ही यही है कि हम लोग रिएक्ट करें और पूरे समाज में एक डिवाइड हो। आपको ध्यान होगा इस पूरे मसले पर पहला बयान इन्हीं का आया था याकूब पे, कि याकूब को फांसी इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। एक भड़काऊ भाषण देकर उन्होंने हैदराबाद में ये विषय रखा था। अब देखिए, इस पर हम लोग अगर रिएक्ट करना शुरू कर दें तो पूरे देश में इस प्रकार का एक डिवीजन देखा जाएगा। जो MIM चाहती है, वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटा जाए और उसी पे उनका वोट बैंक की पॉलिसी काम करेगी। इसलिए मैं ओवैसी जी के इन वचनों पे किसी प्रकार का बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा। मोहित माथुर के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि कुछ कानून के जानकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एक 14 दिन का एक अंतर होता है सभी विकल्पों के ध्वस्त होने के बाद और फांसी के बीच। उस पर मैं एक बात करना चाहूंगी एक ब्रेक के बाद। तो मुंबई ने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का दंश, उसका दुख झेला और अब पहली बार इस मामले में पहली फांसी होने वाली है। संबित पात्रा, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जहाँ एक तरफ मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के जो लोग हैं उनके जख्मों पर एक तरफ मरहम लगेगा, पहली फांसी इस पूरे मामले में होगी, एक तरह से उनके लिए इंसाफ है, दूसरी तरफ इस फांसी का विरोध हो रहा है? अगर बहुत संक्षेप में कहा जाए तो मैं कहूँगा सत्यमेव जयते, ये सत्य की जीत है। आप देखिए, बहुत समय लगा, 22 वर्ष कोई छोटा सा अवधि नहीं होता है, ये बहुत बड़ा कालावधि होता है। और स्वाभाविक रूप से 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो 257 लोगों की जाने गई थी, वो भी टकटकी लगा के देख रहे होंगे कि आखिरकार जस्टिस होता है या नहीं होता है। तो आज जब जस्टिस हो रहा है तो दुख इस बात का लगता है कि उस पर भी कुछ लोग अपना राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे भी एक कम्युनल कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ बहुत जाने माने लोग याकूब के लिए सिंपथी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे थोड़ा अचरज भी होता है और थोड़ा तकलीफ भी होता है। चलिए संबित, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कानूनी जो प्रक्रिया है वो एक तरह से पूरी हो चुकी है, जब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी, अब याकूब मेमन को फांसी होना तय है।